लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी यानी सातवें चरण के लिए वोटिंग होगी। सातवें चरण में बिहार की कुल 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सभी सीटों में से काराकाट लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। इस सीट पर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर, सिंगर और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर उतरे हैं। वहीं अब एक और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह के समर्थन में उतर गए हैं। आपको बता दें, काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मैदान पर हैं, वहीं इंडिया आइलैंड्स की ओर से राजाराम कुशवाहा मैदान पर उतरे हैं। हालांकि पवन सिंह के मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। काराकाट सीट पर यादव वोटर्स की अच्छी खासी संख्या में पकड़ है। ऐसे में खेसारी लाल यादव का साथ आना पवन सिंह के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद पवन सिंह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। काराकाट सीट पर 1 जून को मतदान होना है। पवन सिंह इस चुनाव में खूब मेहनत कर रहे हैं और धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार पवन सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं आपको बता दें, बीते हफ्ते ही भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने पत्र जारी कर कहा, लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो गई है और पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।